नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार से शुरू हो रहा है, ऐसे में बाजार में सैकड़ों गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संस्था प्राणवायु ने गोबर से इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई हैं, इन्हें लोगों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही घर घर में बप्पा विराजमान होंगे। गणेशोत्सव की धूम के साथ ही पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए बाजार में मिट्टी की गणेश प्रतिमा भी मिल रही है। ऐसे में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए संस्था प्राणवायु ने गोबर से गणेश प्रतिमा की तैयार की है। संस्था के संयोजक और ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले राज ठाकुर ने बताया कि पर्यावरण को प्राणवायु देने के लिए हमने गोबर से गणेश प्रतिमा तैयार की है और इन्हें लोगों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। लोग इन्हें घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। अभी तक 750 से ज़्यादा प्रतिमाएँ वितरित की जा चुकी हैं। शहर भर से लोग गोबर से बनी गणेश प्रतिमा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जय श्री गणेश सभी को। गणेश चतुर्थी पावन पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारे द्वारा इको फ्रेंडली गोबर से निर्मित गणेश जी की प्रतिमाएं आपके समक्ष उपलब्ध है। आप निःशुल्क भी मुझसे ले जा सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9753100200 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी शेयर कर सकते हैं और आप प्रतिमा स्थान से ले जा सकते हैं। सभी को धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।